हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने एलजेब्रा चैप्टर की ओर। ठीक है, तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 से। 101 में क्या दिया हुआ देखिएगा ध्यान से। वन जीरो वन क्वेश्चन नंबर हमें दिया हुआ है, ए प्लस बी, नोट कर लेते हैं, ए प्लस बी माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू बी एंड इक्वल टू दिया हुआ टू ए बी प्लस टू ए। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है, ए का मान पूछा है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें कि देखो, ए प्लस बी माइनस सिक्स का होल स्क्वायर ये तो लगा हुआ है, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, क्या मैं वन का स्क्वायर बोल सकता हूँ भाई? ऊपर वन है, वन का स्क्वायर बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसे इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का टू ए बी, ये वाला प्लस का टू बी। अगर ये टू ए इधर आ जाएगा, ये बराबर का साइन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का टू ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे बनेगा क्या फॉर्मूला, वो कौन सा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। यहाँ से हम टू कॉमन ले लेते हैं, कभी कभी लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, वही फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कि ए स्क्वायर तो मुझे मिल गया, बी स्क्वायर भी मिल गया, वन स्क्वायर, तो मतलब ये वाला पोर्शन भूल जाएं, ये अलग फॉर्मूला, ये अलग है, इसे ओपन नहीं करना, इसके बारे में बात करनी है सिर्फ कि ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। तो अगर मैं बोलूं a प्लस बी प्लस वन का स्क्वायर है ये पूरा जो लिखा हुआ है, क्या मैं बोल सकता हूँ? पता नहीं, कंफर्म करना पड़ेगा आपको, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो। यहाँ पर माइनस क्यों आया भाई, हमारे फॉर्मूले में तो प्लस होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई नंबर जो है अल्फाबेट या फिर कोई भी नंबर माइनस में होगा। तो यहाँ पे देखेंगे प्लस बी है, यहाँ पे होता क्या, सेकंड नंबर पर टू बी सी, मतलब टू बी और सी, सी वन है यहाँ पे, तो वन का मल्टीप्लाई इसमें किया होगा तो वो पॉजिटिव ही रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या टू ए बी, टू ए बी का मतलब है यहाँ पे ए बी, ए का मल्टीप्लाई करने पर ही क्या हो गया, माइनस का, क्योंकि अगर बी अगर माइनस का होता इसमें तो क्या होता भाई, ये भी माइनस का होता, लेकिन इसमें माइनस का नहीं है, इसमें माइनस का, इसका मतलब ए जो है वो माइनस का टर्म है, बन गया अपना आंसर आ गया। बस यही आपको पता करना था। और इधर साइड में क्या लिखा हुआ, इधर साइड में लिखा हुआ था ए प्लस बी माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, अगर आप इसे लिख सकते हो क्या, ए प्लस बी और ये बराबर, माइनस का सिक्स उधर ले जाएंगे तो प्लस का सिक्स हो जाएगा, इसे हम बोल सकते हैं माइनस ए प्लस बी, प्लस का वन है उधर लेके जाओ बराबर से तो माइनस का वन। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ऐड करके, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन, साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो प्लस ए टू ए, प्लस माइनस कट गए, टू ए बराबर हो गया सेवन, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 37.5। और हमसे पूछा क्या था, ए का मान कितना हो जाएगा 3.5। ओके, फटाफट से नोट कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। वन जीरो टू क्या बोल रहा है देखते हैं। 102 में बोला है ए प्लस बी, ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर, ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर बराबर है किसके, तीन के। तो हमसे पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा, स्क्वायर हटा दो तो रूट लगा देंगे। ठीक है, रूट को अगर स्क्वायर में चेंज करना है तो रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे और माइनस दो कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, थ्री माइनस टू इज इक्वल टू
वन, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 103 देखते, 103 क्या दिया होगा देखिएगा। वन जीरो थ्री दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 101, तो यहाँ पर तो फॉर्मूला बनता है, सीधी सी बात है। एक मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है इसी में, क्वेश्चन नंबर वो होगा आपका शायद 88 लगभग होगा, कितना होगा 88 क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम एज है। ठीक है, वहाँ पे पी बराबर 99, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला किसका बनेगा, ए माइनस वन, पी की जगह ए माइनस वन का होल क्यू, ठीक है, एंड प्लस वन, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो ए की वैल्यू कितनी है, 101 माइनस कर देंगे एक, तो 100 का क्यू करना पड़ेगा और प्लस वन, 100 का क्यू हो जाएगा 2 3 4 5 6 प्लस वन, तो 1 2 3 4 5 और 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार कंफर्म मतलब अच्छे से सीखने के लिए आप जो क्वेश्चन नंबर 88 को जरूर करें, ठीक है, बिल्कुल सेम एज है बिंदास से, तो 88 ही क्वेश्चन है। यस, बिल्कुल 88 सेम है बिल्कुल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 104 की ओर, मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है और वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो निकालना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा क्या बोल रहा है, 5 + 20x - 4x² माइनस वाली को इधर लिखे हो, -4x² + 20x + 5 = 0, और हमसे पूछा गया कि इसमें अधिकतम मान, x का अधिकतम मान, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, c कितना है मेरा 5 + b का स्क्वायर 400, 2 × 2 = 4 एंड रूट ए, रूट के अंदर a मतलब 4 बाहर आएगा तो 4 ही बन जाएगा, तो 4 से काटेंगे 100 और 4 से काटेंगे तो 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, बेसिक वीडियो में मैंने कराए हुए लास्ट वीडियो में, ठीक है, यही क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, 105 में क्या दिया हुआ है, और थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम समझना है, इस वजह से मैं फेस नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, वरना क्या फ़ायदा, आप डर जाओ, ठीक है, लेकिन क्या करें, वीडियो तो बनानी पड़ेगी ना, फेस सही हो या ना हो। क्वेश्चन नंबर 105 देखिएगा, हमें दिया हुआ है a² + b² + c² बराबर है 83, ठीक है, a + b + c बराबर है 15, और हमसे पूछा है ab + bc + ca का मान, ठीक है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अभी मैंने कराया, a + b + c का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + c² एंड 2 जो हम कॉमन ले ले तो लिख सकते हैं ab + bc + ca, और ये हमसे पूछा है क्वेश्चन ने, बाकी की वैल्यू हमें पता है तो वैल्यू पुट कर देते, a + b + c कितना है 15 का स्क्वायर 225, ये कितना दिया हुआ है हमें 83 + 2 ab + bc + ca, ठीक है, 83 इधर लेकर आएंगे तो माइनस कर देंगे, माइनस करने पे कितना बचेगा, 5 में से 3 गए 2, 22 में से 8 जाएंगे तो 14 = 2 ab + bc + ca, इसे तो लिखो या मत लिखो, लिखते चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 से काटेंगे 2 = 7 = 14 + 2 = 2, तो मतलब 71 हमारा किसके बराबर होगा, इसके 71 राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, नोट कीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, 106 ने क्या बोला है देखिएगा, कि x = 8t² y = 2at, ऑप्शन दिए हो, ऑप्शन में देखना है कि कौन सा सही है, ठीक है, तो x² = 4ay, हमें x का वैल्यू पता है t, ऑप्शन में अगर हम गौर से देखें तो t हमें नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब t कहीं ना कहीं बराबर होगा इन दोनों में, और वो कट गया होगा या फिर बराबर रख दिया होगा, तो मैं इस चीज़ को क्या बोल सकता हूँ, t² बराबर हो जाएगा किसके, x बाई
ए के, क्योंकि भाई ए को मैं यहाँ से ले जाऊँगा तो नीचे डिवाइड में ले जाऊँगा, तो टी स्क्वायर बराबर एक्स वाई ए। यहाँ पर देखो टी मुझे निकालना है बाहर, तो टू ए नीचे हो जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा वाई अपॉन टू ए। अब यहाँ पे क्या बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो वाई स्क्वायर टू टू जाए, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोथ साइड स्क्वायर करने पे फोर, और ए स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर क्यों किया भाई, इसलिए कि यहाँ पे जो वैल्यू पता है वो टी स्क्वायर की, ये भी टी स्क्वायर की मैंने बना ली, ठीक है। अब क्या कर सकते भाई, टी स्क्वायर दोनों बराबर रख दे, एक्स बाई ए बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट जाएगा। अब वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो इज इक्वल टू फोर ए एक्स। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल करेक्ट है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखिएगा क्या बोल रहा है। वन जीरो सेवन में देखते हैं, ए प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल टू वन है, बी प्लस वन अपॉन सी इज इक्वल टू वन है, तो सी प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल टू वन होगा। इस टाइप की सीरियल सीरीज जब चलती है तो वन ही आंसर होता है, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन में करा चुका हूँ, एंड ये क्वेश्चन नंबर होगा आपका सेम एज 59, टू कॉपी फोटो कॉपी है, ठीक है। सेम एज 59 क्वेश्चन नंबर है बिल्कुल, ठीक है, तो वहाँ से आप कर सकते हो प्रीवियस वीडियो में। चलो क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, 108 हो सकता है डाउट हो लेकिन सिंपल है, चलो देख लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस ए, ठीक है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और हमसे पूछा है थ्री कॉमन है इसमें, वन अपॉन ए प्लस वन, मतलब ए प्लस वन बी प्लस वन और सी प्लस वन की वैल्यू मुझे चाहिए। तो भाई इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे देखो, पहले इसकी बात करता हूँ। अगर मैं दोनों साइड में ए ले लूँ, ए स्क्वायर प्लस ए इधर मैंने कर दिया, क्यों, क्योंकि जब मैं ए कॉमन लूँगा ना तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस वन, क्योंकि मुझे ए प्लस वन की वैल्यू चाहिए, समझ गए, ए प्लस वन बराबर हो जाएगा भाई, इधर आपने ए प्लस किया तो यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी करो, ए प्लस बी प्लस सी। तो फिर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे आप लिख सकते हो क्या, वन अपॉन ए प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, लिख सकते हो क्या, बोलो जल्दी बताओ, हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ए जो मल्टीप्लाई में, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है और वन का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बराबर तो वही रहेगा, तो वन अपॉन ए की वैल्यू यहाँ से निकली ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से वन अपॉन बी प्लस वन की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगी, यहाँ से आप निकाल सकते हो, एंड वन अपॉन सी प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। एंड हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है भाई थ्री ब्रैकेट में वन अपॉन ए प्लस वन प्लस वन अपॉन बी प्लस वन प्लस वन अपॉन सी प्लस वन, इसे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर वन अपॉन ए प्लस वन की जगह पे मैं क्या रख दूँ, ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये लिख सकता हूँ क्या। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, कितनी बार जाएगा, एक बार ऊपर भी बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, और बाहर कितना है मेरा, थ्री है ये वाला थ्री, ठीक है, इसे थोड़ा सा दूरी पे लिख देते हैं, कितना है थ्री, तो ये कट जाएगा, फाइनली जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तीन, समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा। चलो फिर हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 109 बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, और हमसे पूछ लिया गया कि टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स क्या होगा।
तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है मेरा, एक्स स्क्वायर है प्लस सिक्स है, प्लस सिक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ भाई, इसे ना इधर पहुँचा दो जी। जब जी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इक्वल टू हो जाएगा किसका, माइनस का फाइव एक्स। तो मतलब ये कि मैं इन दोनों की जगह पर माइनस का फाइव एक्स रख सकता हूँ, तो टू एक्स तो ऊपर लिखा है, नीचे माइनस का फाइव एक्स और माइनस का सेवन एक्स, कितना हो जाएगा टू एक्स डिवाइडेड बाई माइनस का बारह एक्स, सात और पाँच बारह, यहाँ पे देखेंगे तो एक्स से एक्स का दो एकम दो, दो छिंग बारह किसका माइनस का, तो माइनस का वन पॉइंट सिक्स हमारा राइट आंसर होगा, कितना हो जाएगा माइनस का वन पॉइंट सिक्स, ऑप्शन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा, मतलब 110वां। क्वेश्चन नंबर 110 क्या बोल रहा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू फाइव एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू थ्री, हमसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे जोड़ने पर तो पाँच हो जाए और माइनस करने पर तीन ऐसी कोई वैल्यू, तो चार प्लस वन इज इक्वल टू पाँच होता है और चार माइनस एक इज इक्वल टू तीन होता है, थोड़ा सा माइंड भी यूज़ करो, ज़रूरी नहीं है फॉर्मूला लगाओ। तो ए हो गया मेरा चार और बी हो गया मेरा वन, चार चौक सोलह होता है, वन का स्क्वायर वन होता है, सोलह और एक सत्रह, ये हमारा राइट आंसर है, नोट कीजिएगा फटाफट। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका, बाकी के देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।